दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि एक नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों अगर आपका एज 18 प्लस हो चुका है और अगर आप एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कि दोस्तों अप्लाई करने का जो पुराना प्रोसेस था वो बिल्कुल बदल चुका है, अब नए प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं और पहले से अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। कैसे आप एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को, एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जैसे कि हमने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है तो सिंपली से ओपन पर हम क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से परमिशन आएगा, जो कि यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया गया है इसके बारे में, तो आपको रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऑप्शन में क्लिक करना है, सामने डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो दोस्तों यहां से एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए यहां पर एक ऑप्शन मिलता है वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे फॉर्म्स दिखाई देता है, एक नया वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करना है यानी अप्लाई करना है। तो इसका जो फॉर्म है यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म 6 दिया गया है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, तो आपको इसी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपको डायरेक्ट लॉगिन के पेज पर ले आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन होना होता है। जब तक आप लॉगिन नहीं होंगे तब तक आप इसमें कोई भी सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसका आईडी पासवर्ड नहीं बनाए तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूज़र का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप एक नया आईडी पासवर्ड इसका बना सकते हैं। आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है तो इसके ऊपर हमने कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने पहले से आईडी पासवर्ड बनाया है, यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। होते ही फिर से आप डैशबोर्ड पर चले आएंगे और फिर से यहाँ पर आपको वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर से न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। करते ही देख सकते हैं हमने लॉगिन किया हुआ है, तो हमारे सामने अब ये इंटरफेस आ चुका है जिसमें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। करते ही दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट टाइम वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करना है, यानी कि हम फर्स्ट टाइम अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको डाउट लग रहा है कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं बना है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि नो वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है, करके अपना चेक कर सकते हैं कि आपका बना है या नहीं बना है, ठीक है, अगर आपको डॉट लग रहा है तब। लेकिन हमें कंफर्म है कि हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो हम येस वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते दोस्तों यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है उसको यहाँ से आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां से आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां से आपको अपना असेंबली सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका असेंबली है उसको भी यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ से मिल जाएगा सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहती हैं उसको सेलेक्ट करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड, ठीक है, अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड अवेलेबल होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जो भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि इसका फॉर्मेट साइज देख सकते हैं JPG JPEG में होना चाहिए और आपका 2 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है, अगर इससे अधिक होगा तो यहाँ पर नहीं लेगा। तो अपलोड करने के लिए आपको अपलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, जिसमें यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा कैमरा और गैलरी, ठीक है, तो आप कैमरे से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर अगर आपका गैलरी में रखा हुआ है तो आपको गैलरी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन को अलाउ करना है। परमिशन को अलाउ करते ही आप डायरेक्ट अपना गैलरी पर विजिट हो जाएंगे, तो जिस जगह पर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड किया है, जो कि यहाँ पर क्रॉप करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप इसको चाहो तो क्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। डायरेक्ट साइन का जो ऑप्शन दिया गया इसी के ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रीव्यू आ चुका है, हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है।
तो हमने आधार कार्ड को अपलोड किया था जो कि हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को फिल करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आ चुका है अपलोड पिक्चर, यानी कि यहाँ पर आप आपको अपना फोटो को अपलोड करना है कि इसका फॉर्मेट साइज अगर आप देखेंगे तो जेपीजी में होना चाहिए और ये आपका 200 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस जगह पर आपका फोटो है उसको यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। फोटो को सिलेक्ट करते हैं, इस प्रकार से फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद साइन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देखिए आपका फोटो अपलोड हो जाएगा जैसे कि हमने अपलोड कर लिया। अब यहाँ से मिल जाएगा जेंडर, जो भी आपका जेंडर है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना नाम फिल के लिए यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर हमने इंग्लिश में टाइप किया हुआ है वैसे यहाँ पर हमारा हिंदी में भी ऑटोमेटिक नाम फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सरनेम फिल करना है, यानी जो आपका लास्ट नेम होगा उस नाम को यहाँ पर आप फिल करेंगे। हम जो भी फिल कर रहे हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कि आपके डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ में नाम होगा उसी तरीके से यहाँ पर आपको सरनेम फिल करना है। जैसा फिल करेंगे वैसे यहाँ पर आपका हिंदी में भी फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी में कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मिल जाता है आधार नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को टाइप कर देना है। आधार नंबर अगर आपके पास नहीं तो यहाँ पर नो का भी ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर नो के ऑप्शन में सेलेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको फिल करना है क्योंकि अब जो आधार कार्ड है वो वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है जो कि मैंडेटरी है, पर आपको अपना मोबाइल नंबर को टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से दिया गया है मोबाइल नंबर रिलेटिव, अगर आप रिलेटिव का नंबर देना चाहती हैं तो उसका भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो उसको आप दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मिल जाता है डिसेबिलिटी, यानी अगर आप विकलांग हैं किसी भी तरह से तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते दोस्तों अब आपके सामने आ जाएगा रिलेशन टाइप, यानी कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में किसको ऐड करना चाहते हैं रिलेशन के तौर पर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो फादर्स का अगर आप रखना चाहते हैं तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे, हस्बैंड मदर जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर ये तीनों अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर गार्जियन भी दिया गया है तो आप गार्जियन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी रिलेशन टाइप में आप सेलेक्ट करते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वैसे यहाँ पर आपका हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। सभी डिटेल्स यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर फिल कर, रिलेटिव का जो लास्ट नेम होता है उसको यहाँ पर आपको टाइप करना है और यहाँ पर भी आपका हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने आ जाएगा एड्रेस फिल करने का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर को टाइप करेंगे, जो भी आपका हाउस नंबर होगा इस तरीके से आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे वैसे यहाँ पर आपका हिंदी में फिल हो जाएगा। तो आपका एड्रेस है उसको आप फिल करते जाएंगे, वो आपका हिंदी में ऑटोमेटिक फिल होता जाएगा। जिस जगह पर आपका गलत होगा वहाँ पर आपको हिंदी को दोबारा टाइप करके एडिट कर लेना है। एड्रेस प्रूफ, यानी एड्रेस के लिए आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, इसका साइज भी वही सेम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और जिस जगह पर आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उसको यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से दिया गया है डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूड इन इलेक्टोरल रोल करेंट विथ होम आई करेंटली रिसाइड, यानी कि यहाँ पर जो भी एड्रेस आप फिल करते हैं वो अगर आपका रिलेशन में भी ऑलरेडी से इंक्लूड किया गया है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं सेलेक्ट करना है तो आपको कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मिल जाता है नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, जिसका आप नाम और उसका वोटर आईडी नंबर दे सकते हैं अगर उसका इशू हुआ है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कोई भी ऑप्शन, ठीक है, अगर आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना। सामने डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट रहता है और यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना विलेज को टाइप करना है, जो भी आपका विलेज है। उसके बाद यहाँ से दिया गया है कि आपने जो भी एड्रेस यहाँ पर मैंसन किया है इस एड्रेस पर आप कितने साल से रह रहे हैं उस डेट को यहाँ पर आपको फिल करना है। कैलेंडर दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है और इसमें आपको टिक भी नहीं लगाना है, ठीक है। बाद यहाँ से आपका नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टॉप एप्लीकेशन यानी इस फॉर्म को कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद डन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपका प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स फिल किया हुआ है, कौन सा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक बार आपको सभी डिटेल्स को देख लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म का मैसेज मिलेगा जो कि आपको कन्फर्म करना होता है। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो आपको कट करना है और यहाँ से आपको एडिट कर लेना है। यहाँ पर हमने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे कि कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा थैंक यू सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर आईडी जनरेट हो जाएगा जो कि इस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। पर आपको रेफरेंस नंबर मिला है, इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। स्टेटस को कैसे चेक करना है चलिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ओके के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, आप वापस डैशबोर्ड पर चले आएंगे। अब यहाँ से स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पर एक्सप्लोर का ऑप्शन दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ से आपको सबसे पहले अपना रेफरेंस नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन में क्लिक करना है। करते ही आपके सामने स्टेटस देखने को मिल जाएगा, तो देख सकते हैं अभी हमारा सबमिट हमने क्या हुआ है। जैसे हमारा बन जाएगा वैसे यहाँ पर सभी स्टेप कम्प्लीट हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेप्टेड आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।